हे एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। इस ब्लॉग में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ हम दोनों की, मेरी और हिरणमय की फर्स्ट एक्सपीरियंस एट अ मंदिर। चेन्नई में आने के बाद एक मंदिर, एक माँ दुर्गा के मंदिर में हमारा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा उसको लेके। तो दिवाली बंगाल में, मतलब वेस्ट बंगाल में एज अ काली पूजा सेलिब्रेट किया जाता है। क्योंकि हम चेन्नई में थे, हमने कहीं पे पूजा हम नहीं दे पाए, तो हम इस मंदिर पर गए थे। जहाँ पे भी जाती हूँ कहीं ना कहीं से नेचर हाथ थामने के लिए हाथ बढ़ा के ही रखता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सुबह सुबह होटल रूम से इतना बढ़िया एक व्यू मुझे मिलता है, मेरा पूरा दिन यही पे गुजर जाता है। तो चलो, दिन की शुरुआत तो हो गई है, जल्दी जल्दी तैयार होते हैं और निकल पड़ते हैं माँ दुर्गा के मंदिर दर्शन के लिए। वैसे तो मुझे माँ काली के मंदिर जाना था, लेकिन यहाँ पे दोनों ही सेम है। Hey everyone, good morning and welcome back to my channel. आज का vlog मैं start कर रही हूँ from Chennai. तो आप सबको जैसे कि मालूम हो ही चुका है कि मैं और हिरणमय चेन्नई shift हो चुके हैं। Shifting के लिए एक घर proper होना बहुत ज़रूरी है, जो फ़िलहाल हम ढूंढ रहे हैं। इन द मिड टाइम हम दोनों फिलहाल ऑफिस एकोमोडेशन पे, होटल तुरिया पे रुके हैं। एक हफ्ता करीबन हो चुका है एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि मैं डिटेल्स डेली अपलोड आप लोगों के साथ नहीं कर पाई, व्लॉग अपलोड, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद हम दोनों की तबीयत बिगड़ रखी थी। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हमने थोड़ा सा रेस्ट लिया, मेडिसिन लिया, सब कुछ, मतलब काली पूजा के बाद से, दिवाली के बाद से थोड़ा और बिगड़ा था, फिलहाल हम ओके हैं। और आज है संडे, अभी मैं और हिरणमय रेडी वेडी होके निकल रहे हैं। क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, सब कुछ आप सबके साथ शेयर करेंगे, बस आप सब हमारे साथ रहो। और एक बार हमारा रूम का पूरा दर्शन कर लो। यार बेसी दर्शन करास ना। एक्चुअली ना हम अभी थोड़ा सा बोर भी हो रहे हैं, क्योंकि करीबन एक हफ्ता हो चुका है और हम जैसे घर प्रेमी लोगों के लिए होटल में ज्यादा दिन स्टे करना इट्स लाइक बर्डन। सो हम सोच रहे हैं कि जितना जल्दी जल्दी हो जाए उतना ही हम दोनों के लिए अच्छा है, मतलब जितना जल्दी घर मिल जाए। तो चलो देखते हैं, क्योंकि जब तक आप अपने पैरों से नहीं निकलोगे तब तक आपको कोई हाथ में आके कुछ भी नहीं देगा। तो फिलहाल देखते हैं कि कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, घर ढूंढने के लिए जाएंगे या कुछ और काम के लिए जाएंगे, सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। चलो, तो ये है मेरा फुल लुक अभी। पता नहीं आज क्यों ये कुर्ता पहनने का मन हुआ, ये मम्मी ने दिया था आते टाइम, और यस आई फील गुड। और ये रहा हीरू दादा का पूरा लुक, जीन्स शू एंड शर्ट, बहुत दिन बाद पहना है। हाँ, मम्मी को देख के खुशी होगी। मम्मी और मम्मी का दामाद दोनों का ये प्यारा फेवरेट शर्ट है। चलो निकलते हैं, निकलते है। So, हम निकल पड़े हैं। ये बाय द वे ये रहा होटल ऊपर में है ओपन स्विमिंग पूल, वहाँ का भी अलग सा वीडियो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। एक पूरा होटल टूर करूंगी, रूम टूर जैसे दिया है वैसे होटल टूर करूंगी। ठीक है चलो, और फिलहाल हमारा इंटेंशन है, यहाँ पे एक काली मंदिर है, एक नहीं बहुत सारे मंदिर है काली मंदिर, तो एक बहुत पास में ही है, तो क्या पता आज सुबह सुबह नींद से जागने के बाद ही वो मन हुआ, देखते हैं। एक्चुअली हम निकले किसी और काम के लिए, तो उसी रास्ते पे ही वो मंदिर आएगा, अगर पॉसिबल हुआ तो वहाँ पे 2 मिनट रुक जाएंगे। ये जनाब क्यों बिजी है? ना बिजी नहीं है, गुड मॉर्निंग। मैं सुबह से कुछ नहीं बोला क्योंकि She is on full mood today. और एक्चुअली आज बहुत दिन बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट हुआ है, तो दोनों का ही इंटेंशन है कि अभी इसको डेली कंटिन्यू किया जाए। सो लेट्स सी, अभी आज है संडे तो आज हम बाहर निकले हैं, दिमाग में बहुत कुछ है, सो एक एक करके एग्जीक्यूट करने का कोशिश करेंगे। By the way, हीरू दादा का ऑफिस है यहीं पे। नहीं अच्छा दिख नहीं रहा है, रुको दिखाती हूँ। ये मैं होटल से निकली, यहाँ पे गणेश जी का एक छोटू सा मंदिर है और ये है हीरू दादा का ऑफिस, एकदम भाई भाई बाजू बाजू ये है ऑफिस।
एक्चुअली उसी हिसाब से ऑफिस वालों ने शायद ये अकोमोडेशन दिया हुआ है हमको, ताकि आने जाने में कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो. एंड सीरियसली बहुत ही अच्छा व्यवस्था है, वी आर हैप्पी. लेकिन खुद का घर होना अपने सर का छत अलग ही होता है. और देख रहे हो कितना अच्छा हवा चल रही है, गर्मी 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 करके बहुत सारे लोग चेन्नई के लिए मेरे को बोले थे कि बहुत ज़्यादा गर्मी है. आई नो कि अभी थोड़ा सीजन अलग है, तो उस हिसाब से शायद गर्मी के टाइम पे तो हर जगह पे ही गर्मी होगी. तो इसीलिए हम उस बातों को, सारे चिंता टेंशन को हटा के फिलहाल हम एंजॉय कर रहे हैं, और हमको इतना अच्छा लग रहा है कि बोल नहीं सकते. चलो ओला बुक किया है, ओके आने दो उसको. भक्तजन बहुत आते हैं, तो शायद इसीलिए ऊपर में ऐसा शेड कर दिया है, और इसी वजह से मंदिर का चूड़ा जो बोलते हैं वो उतना विजिबल नहीं है इस साइड से, मतलब सामने से विजिबल नहीं है. ये रहा, दर्शन बहुत अच्छे से हो गया. तो अभी हम सोच रहे हैं कि अगर कुछ कॉन्टैक्ट्स मिले तो हम घर ढूंढने के लिए जाएंगे, अपार्टमेंट के लिए, या फिर कुछ अगर रूम रेंट भी कोई कोई देते हैं ना वहाँ पे भी. लेकिन अभी तक हमको एज सच कुछ प्रॉपर रूम नहीं मिला है. वाटर तो मंदिर से निकल के हम थोड़ा सा हल्का नाश्ता पानी कर लिए, फिर हम गए थे इस फ्रूट जूस के शॉप में. यहाँ पे आपको ढेर सारी फ्रूट जूस की शॉप मिल जाएगी. अगर आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, अब अच्छा खासा पेट भरने के लिए फ्रूट जूस मिल जाएगा. तो इतना सारा फलों के साथ ये वाला ब्लॉग मैं यही पे एंड करती हूँ. मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय. सब अच्छे से रहना, खुश रहना, मुस्कुराते रहना. टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो. बाय.